नमस्कार, वेलकम टू मेड इन असम। आज मैं आप लोगों के लिए एक वेल्डिंग मशीन का रिव्यू करने वाला हूँ। यह मशीन आईवेल कंपनी का है और लगभग 6 महीने पहले मैंने इसको ख़रीदा था और इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यह कैसा है, अच्छा है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह है आईवेल का मशीन। दरअसल ये मैग वेल्डिंग है, मैग और एमएमए दोनों है। एमएमए मतलब जो आर्क वेल्डिंग होता है वही है जो हम स्टिक यूज़ करके वेल्डिंग करते हैं, और ये मैग है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। पहले ये मिग टेक्नोलॉजी था, उसके बाद मैग आया है। मिग और मैग में ये फ़र्क है कि मिग वेल्डिंग में गैस की ज़रूरत होता है, जैसे आर्गन गैस का ज़रूरत होता है उसको हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। लेकिन इस वेल्डिंग में गैस का ज़रूरत नहीं है, जो वायर आता है उसमें एक फ्लक्स आता है, ठीक है, वही गैस का काम करता है। तो यही है सिंपल सा फ़र्क। तो यह है इसका पावर बटन, यह है इसका केबल, ठीक है। यह सिंगल फेज का वेल्डिंग मशीन है, 50 से 60 हर्ट्ज तक किसी भी जगह चल जाएगा। और वेल्डिंग पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो यह है इसका स्पेसिफिकेशन। और इस मशीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 एम्पियर तक ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। इसका प्राइस भी बताऊँगा। और यह है इसका मैग टॉर्च का केबल, तो ये रहा। लेकिन इसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है, फिट एंड फिनिश बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, ठीक है। और यहाँ पर है माइनस, जहाँ पर क्लैंप लगता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक होल्डर लगता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यह स्विच है, इससे आप आर्क और मैग वेल्डिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हो, आर्क से मैग पर, मैग से आर्क पर, ठीक है। यह है इसका एम्पियर वाला नॉब, और यह है मैग वेल्डिंग का जो फ्लक्स कोर वायर है उसका स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यह है एमएमए का इंडिकेटर, मतलब आर्क वेल्डिंग का इंडिकेटर, ये मैग वेल्डिंग का इंडिकेटर, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, यह ओवर टेम्परेचर का इंडिकेटर। लेकिन इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल कोई डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है बस। अगर डिजिटल मीटर होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। और इस स्विच का क्वालिटी भी उतना खास नहीं है, कोई चीप कंपनी का मशीन लगता है, ठीक है। और यहाँ से आप फ्लक्स कोर वायर डाल सकते हो। तो ये तो अब ख़त्म हो गया, जब फ्लक्स कोर वायर मेरे पास आएगा तब मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा दूँगा। मशीन का पहले मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले नहीं आता है। दूसरा बात, मशीन का फिट एंड फिनिशिंग अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे ये टॉर्च का, और यह स्विच का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप मैग पर वेल्डिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो फ्लक्स कोर वायर होता है यहीं रुक जाता है, स्विच काम नहीं करता, फिर आपको प्लायर से खींचना पड़ेगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, ये बहुत प्रॉब्लम देता है, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, ठीक है। और ये जो केबल है ये रिमूवेबल होना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत बहुत मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि जब आपको इसका ज़रूरत नहीं तो बिना वजह यह लटक रहता है। यहाँ पर सिर्फ आप 1 किलो का फ्लक्स कोर वायर लगा सकते हो, यह डिसएडवांटेज है। और फ्लक्स कोर वायर का प्राइस भी बहुत है, मतलब 1 किलो का प्राइस लगभग 700 रुपीज़ तक आ जाएगा, और उससे कम दाम में आधी कीमत पर आपको आर्क वेल्डिंग का जो स्टिक होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है, और ये हर कहीं नहीं मिलता आपको फ्लक्स कोर वायर,
हमारे असम में नौगांव डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं मिल रहा, इसीलिए मुझे फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ख़रीदना पड़ता है, जो बहुत महंगा आता है। इस मशीन को आप ज़्यादा हेवी वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कभी कभी मशीन थोड़ा हीट होके बंद हो जाता है, बहुत हेवी वर्क के लिए नहीं है। हॉबी वर्क से थोड़ा आप ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ये मशीन बिल्कुल भी नहीं है। और यह है मशीन का हैंडल, इसका क्वालिटी उतना बुरा नहीं है, ठीक है। इसमें 1 साल का वारंटी भी होता है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था लगभग 12,300 रुपये में। लेकिन आपको अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए तो आप इससे अच्छा कंपनी का लीजिए। ये भी अच्छा कंपनी है, लेकिन मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं लगा, ठीक है। कम से कम मैंने मैक के लिए इसको लिया था, मैक वेल्डिंग के लिए, तो यही प्रॉब्लम करता है बहुत। तो इसका जो फ्लैक्स कोर वायर है वो रुक जाता है, बार बार खींचना पड़ता है, बार बार रुक जाता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो मैंने आपको बता दी, तो आप कुछ खूबियाँ भी जान लीजिए। खूबियाँ तो ये है कि ये मैग वेल्डिंग है, मैग वेल्डिंग से आपका काम आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और मैग वेल्डिंग का जो स्पॉट है वो बहुत हार्ड होता है, ये है इसका सबसे एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज। इससे पहले भी मेरे पास वेल्डिंग मशीन था, छोटा वेल्डिंग मशीन था, 200 एम्पीयर का ही था, आइबेल कंपनी का ही, 5,000 का था, उसका भी रिव्यू लाऊंगा। मैंने सिर्फ इसको मैग वेल्डिंग के लिए ही ख़रीदा था। और इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप तो ज़्यादा वर्क ओवरलोड स्पोर नहीं दे सकते, लेकिन आप जितना काम करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मेरा जो छोटा मशीन है, अगर मैंने उस पर 100 एम्पीयर लिया और इसमें 100 एम्पीयर पर इस मशीन को यूज़ किया, तो इस मशीन में काम करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेटल का जो मेल्टिंग है इसमें ज़्यादा अच्छे से होता है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। और अच्छी बात यह है, इस मशीन का जो ये इलेक्ट्रोड होल्डर है इसका क्वालिटी अच्छा है। यह केबल भी थोड़ा लंबा है, लगभग 3 मीटर का, और ये भी अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। इसका जो ये पार्ट है, जब मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ, तो जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये पोर्शन अंदर रहता है और इसका जो कवर है ये मेरे हाथ में आ जाता है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें अच्छी बात उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा खराबी ही नज़र आया है। अगर आपको हेवी वर्क के लिए चाहिए तो आप इस मशीन पर मत जाइएगा, सिर्फ छोटा मोटा काम के लिए ही ये मशीन अच्छा है। अगर आपको अच्छा कंपनी का मशीन चाहिए तो आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, मुझे ऑनलाइन अच्छा कंपनी का वेल्डिंग मशीन नहीं दिखा, मतलब मैग वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ, अब आ गया शायद, लेकिन जब मैंने खरीदा था मुझे और ऑप्शन नहीं दिखा। और यही था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।